साउथ सिनेमा की लीडिंग एक्ट्रेस समांथा रूथ प्रभु, हाँ वही जिन्होंने ऊ अंतवा पर सभी को जमकर नचाया है। क्या आपको पता था कि ये समांथा स्कूल में टॉपर थी? अब इससे पहले कि आप मुझसे पूछो कि मुझे कैसे पता, तो भाई सबसे पहले इस रिपोर्ट कार्ड को खुद ही देख लो। तो समांथा का 10th क्लास का एक रिपोर्ट कार्ड इस टाइम सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, हर जगह वायरल हो रहा है। और उनका रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद कहा जा सकता है कि एक्टिंग के साथ साथ पढ़ाई में भी समांथा कमाल की रही थी। समांथा ने भी अपने रिपोर्ट कार्ड को सोशल मीडिया पर रिसेंटली शेयर किया है। अब अगर आप इस मार्कशीट को ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको पता चलता है कि कई सब्जेक्ट्स में समांथा ने टॉप किया था। मैथमेटिक्स में उनके 100 में से 99 मार्क्स आए थे, फिजिक्स में 95, तो इंग्लिश में 90 मार्क्स आए थे। अब जब सोशल मीडिया पर समांथा का ये 10th क्लास का रिपोर्ट कार्ड वायरल हुआ, तो खुद एक्ट्रेस ने भी इसे शेयर किया और लिखा, हाँ हाँ ये फिर से सामने आ गया। और इसी के साथ समांथा ने हंसने वाले और हार्ट का भी इमोजी बनाया है। वैसे समांथा ने 43 स्टूडेंट्स की क्लास में टॉप किया था 10th में। यहाँ तक कि उनके रिमार्क से भी लिखा गया था कि स्कूल के लिए समांथा एक एसेट है। समांथा के 1000 में से इन टोटल 887 मार्क्स आए थे, जो कि काफी अच्छे मार्क्स थे। समांथा ने चेन्नई के होली एंजल्स इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से स्कूलिंग की थी। इसके बाद उन्होंने चेन्नई के स्टेला मेरिस कॉलेज से बीकॉम किया था। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में समांथा को मॉडलिंग की शुरुआत करनी थी। मॉडलिंग में आने के बाद से समांथा की पढ़ाई छूट गई थी और अपने एक्टिंग करियर पर ही पूरा का पूरा फोकस चला गया था। हालांकि एक बार समांथा ने यह भी कहा था कि पढ़ाई छोड़ना उनकी चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी थी। इनफैक्ट कॉफी विद करण के भी एक एपिसोड में समांथा ने इसके ऊपर खुलकर बात की थी। उस एपिसोड में समांथा ने कहा था कि उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि जब मेरे पिता ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी फीस नहीं भर सकता, तो मेरी लाइफ पूरी तरह बदल गई थी। वैसे भी रिसेंटली आई समांथा की फिल्म की अगर मैं बात करूं, यानी कि शकुंतलम की, तो वो बुरी तरह फ्लॉप रही है। ऑलमोस्ट 50 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अभी तक सिर्फ 10 करोड़ के आसपास का ही बिजनेस किया है। इस फिल्म में राजा दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी को दिखाया गया है। फिल्मों के अलावा समांथा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी काफी ज्यादा न्यूज में आती रहती है। कुछ दिनों पहले भी एक इंटरव्यू में समांथा ने अपनी लाइफ को लेकर बड़े खुलासे किए थे। समांथा के हिसाब से उन्हें लोगों ने फिल्म पुष्पा के लिए आइटम सॉन्ग यानी कि ऊ अंतवा गाने को करने से मना कर दिया था। समांथा का कहना था कि उनके करीबी लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो अपने तलाक के वक्त कोई भी आइटम सॉन्ग करे, लेकिन देखें वो सॉन्ग कितना ज्यादा ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और सभी ने उसको बहुत पसंद किया। बाकी गाइस इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि समांथा रूथ प्रभु की कौन सी फिल्म या कौन से गाने आपके सबसे ज्यादा फेवरेट है। बाकी मैं तो नाक्षी कालरा जल्द ही मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना, सबके साथ शेयर भी जरूर करना।